सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू 25 50 सी आर 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इक्वल टू के इंटू 50 सी 25। बिल्कुल शिफ्ट वन में इसी तरह का क्वेश्चन था, वहां पर आई के टर्म में था, आई अपॉन 21 दिया, के अपॉन 21 दिया था, जहां पर के का वैल्यू पूछा था, यहां पर थोड़ा सा डेटा चेंज था। अब इसको समझिए, बिल्कुल सिग्मा नोटेशन का सिमिलर क्वेश्चन था। सबसे पहले आप देखिए, आपको इसको अलग से सॉल्व कर लें, ये 50 सी 25 है, इसका मतलब है ये एक टर्म कॉमन है, उसके बाद के है, वैसे ही क्वेश्चन था। तो 50 सी आर इंटू 50 सी 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल 50 माइनस आर, इसको करेंगे तो लिखेंगे फैक्टोरियल 50 माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल 25 माइनस आर इंटू, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 25 ही मिलेगा। आप देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया। अब अगर आपके पास जो जो टर्म बचे हैं उसको थोड़ा ध्यान से दें, तो फैक्टोरियल 50, एक फैक्टोरियल आर, एक फैक्टोरियल 25 माइनस आर और एक फैक्टोरियल 25। अगर मैं ऊपर नीचे फैक्टोरियल 25 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखिए अगर फैक्टोरियल 25 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो आपसे मैं बोलूँ कि 50 सी 25 क्या होगा, तो आप यही बोलते हैं फैक्टोरियल 50 बाय फैक्टोरियल 25 इंटू फैक्टोरियल 25। तो फैक्टोरियल 50 25 ये हो जाएगा, तो इससे आर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सी 25 जो दिया भी है, इस पूरे को दिस एंड दिस इसको लिख दिया। अब ये देखिए 25 फैक्टोरियल आर और 25 माइनस आर, इसका मतलब ये हो गया 25 सी आर। अब ये कांस्टेंट है तो एक तरह से बाहर आ गया, और ये सिग्मा नोटेशन लगेगा 0 टू 25 25 सी आर। आर का वैल्यू जब आप 0 से लेके 25 तक पुट करेंगे तो ये सीधा सीधा समेशन का क्वेश्चन बन गया 25 सी 25, यानी ये हो जाएगा, ये तो दिया ही है, ये हो गया 50 सी 25 इंटू 2 पावर 25। तो करेक्ट आंसर इज 2 पावर 25। बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज थी, जैसे उस बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे शिफ्ट वन जैसा, पहले इसको सॉल्व किया आपने, इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया टर्म। अब 50 फैक्टोरियल था, नीचे 25 था, हमें 50 सी 25 लाना था, इसलिए 25 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, ये एक सेक्शन पूरा हो गया 50 सी 25, और इसको लिख सकते थे आप 25 सी आर, जिससे कि ये 0 से 25 रखने पे 2 पावर 25 मिलता। राइट, नोट कर लीजिए।